नमस्ते बच्चों बच्चों आज आपके लिए फिर मैं एक बार नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ एग्जामिनेशन को लेके। एग्जामिनेशन 2021 बीए पार्ट फाइनल के स्टूडेंट अलर्ट हो जाएं, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट उन जिनका एग्ज़ाम 12 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो रहा है वो बच्चे अलर्ट हो जाएं। उनका टाइम टेबल पहले आ चुका था और अभी उनके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और उनके एडमिट कार्ड जो हैं वो अभी निकलने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो वो बच्चे अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर अपने एडमिट कार्ड निकलवा लें और उनके 12 तारीख से सुबह से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। दो पारी में एग्ज़ाम होंगे, एक दिन में दो एग्ज़ाम होंगे और वो टाइम टेबल उनके एडमिट कार्ड में डाला हुआ है किसका एग्ज़ाम कितनी तारीख को है और कितना बजे से कितना बजे तक है। तो अपने एडमिट कार्ड निकलवा लेंगे बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट जिनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं वो अपने एडमिट कार्ड निकलवा लेंगे। एमए फाइनल के स्टूडेंट, एमए एमएससी एमकॉम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों के लिए ये मेरा मैसेज है कि उनका टाइम टेबल आ चुका है। एमए एमएससी एमकॉम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं जो बार बार पूछते हैं कि हमारा टाइम टेबल नहीं आया, उनको मैं बता दूं कि उनका टाइम टेबल आ गया है और उनके टाइम टेबल जो है वो 20 तारीख के लगभग उनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो एमए के जो स्टूडेंट हैं वो सब स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने टाइम टेबल निर्धारित समय पर अपने टाइम टेबल निकलवा लें और अपने एग्जाम शेड्यूल जो है वो चेक कर लेंगे और अपने एडमिट कार्ड जो है वो अभी अपलोड नहीं किए। जैसे ही एडमिट कार्ड अपलोड करेंगे मैं सूचना यूट्यूब के माध्यम से डाल दूंगा। ठीक है, मैंने बीए पार्ट फाइनल बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट की भी बता दी है सूचना कि उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं, एडमिट कार्ड निकलवा लेंगे। और एमए एमएससी और एमकॉम के स्टूडेंट जो हैं वो अपना टाइम टेबल निकाल लेंगे और उनके एग्जाम जो हैं वो 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और अपना टाइम टेबल निकालें, हो सकता है एक दिन आगे पीछे हो सकता है किसी का, लेकिन वो अपना टाइम टेबल निकलवा लेंगे। ठीक है बच्चों, और टाइम पर सही समय पर अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो निकलवा लेंगे और सही टाइम पर आके अपने एग्जाम जो हैं वो क्लियर कर लेंगे। विशेष करके एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे आएंगे वो किसी के संपर्क में नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचेंगे, अपना एग्ज़ाम देंगे और चले जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट किसी के पास रुके न, ये सरकारी गाइडलाइन भी है। प्लस मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के चलते किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। किसी के साथ में एकजुट एक जगह 10-5 जन को खड़े नहीं होना है क्योंकि वो नियम का भी उल्लंघन है। प्लस अपनी सेफ्टी, खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अगर हम सही तरीके से जाएंगे आएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आज बीए फाइनल के और एमए फाइनल के स्टूडेंट के लिए यही सूचना थी, खास सूचना थी जो मैंने बता दी है। एमए वाले अपना टाइम टेबल निकाल लेंगे, बीए फाइनल वाले अपने एडमिट कार्ड निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।